तो आपका स्वागत है तड़का हट में। आज हम बनाने जा रहे हैं डेबली, जो बम्बई की मशहूर स्ट्रीट फूड है। आइए देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमने ये फ्रेश पाव लिए हैं, बटर, एक चॉप किया हुआ अनियन, टू बॉइल्ड आलू हमने इन्हें मैश कर लिया है, एक टमाटर हमने काट लिया है, ये हमने बेसन की भुजिया ली है और एक चम्मच हमने पाव भाजी मसाला लिया है, नमक स्वाद अनुसार, हाफ टेबल स्पून नींबू का जूस, कोरिएंडर लीव्स जो हमने काट ली हैं और इसको गार्निश करने के लिए टमाटो सॉस, या अगर आपके पास टमाटो सॉस ना हो तो आप इमली की चटनी का भी यूज़ कर सकते हैं, साथ में ग्रीन चटनी। आइए चलिए हम पहले अपनी स्टफिंग को बना लेते हैं। हमने एक पैन लिया है, पैन में हम कुछ ऑयल डाल देंगे, वेजिटेबल ऑयल। उसमें हम अपना ये जो हमारा अनियन है उसे डाल देंगे चॉप करा हुआ। साथ में हम ये दो जो हमने ग्रीन चिली ली थी उन्हें भी इसमें डाल देंगे और इसे हल्का सा सौसे कर लेंगे। देखिए हमने अपने प्याज को एक मिनट सौसे कर लिया है। इसके बाद हम अपने जो हमने टमाटर चॉप करे थे उन्हें डाल देंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा टेस्ट के अनुसार अपने सॉल्ट डाल देंगे, साथ में जो हमने पाव भाजी मसाला लिया था उसे डाल देंगे और हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि जो हमारा टमाटर है अच्छे से गल न जाए। देखिए हमारा टमाटर पक गया है 50% से ज़्यादा और इसमें जो हमारा मैश करा वो आलू है उसे डाल देंगे। आलू डालने के बाद हमें इसमें अपना थोड़ा सा पानी डालना है जो अच्छे से आपस में इन सब चीज़ों को मिक्स कर दे और जब तक ये आलू और ये सब चीज़ें आपस में पकती हैं तब तक हम अपने जो हमारे पाव हैं उनको काट लेते हैं। हमने देखिए एकदम फ्रेश पाव लिए हैं। अभी पाव को हमें इस तरीके से बीच से कट करना है लेकिन लास्ट में इसको हमें जुड़े रखना है। ये देखिए इस तरीके से हमें बिल्कुल इसे अलग अलग नहीं करना है, जोड़े रखना है। इसी तरीके से हम अपने सारे पाव्स को काट लेते हैं। देखिए हमने 2 मिनट तक इसको पकाने के बाद इसमें हमने जो अपना हाफ टेबल स्पून लेमन जूस लिया था उसे डाल देंगे और इसको चलाकर गैस को बंद कर देंगे। इसके बाद हमें चलाने के बाद अच्छे से इसको बंद कर देना है और फिर हमें इसके ऊपर अपनी जो हमने ये बेसन की भुजिया ली थी उसे डाल देना है। बेसन की भुजिया को डालने के बाद इसमें हम अपना जो हमने कोरिएंडर लीव्स को बारीक बारीक काटा था उन्हें डाल देंगे। हमारी फिलिंग रेडी हो गई है। चलिए हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। देखिए अब अपने पाव में हम एक साइड में हमें टमाटो सॉस लगाना है या फिर जो भी आपने एक साइड हमने टमाटो सॉस लगा दिया है, दूसरी साइड हम अपनी ये ग्रीन जो हमने चटनी बनाई थी उसे लगा दिया है। इसी तरीके से हम सारे पाव्स में लगा देंगे चटनी को। हम इसे अपने एक पैन लिया है उसमें हम बटर फैला देंगे। बटर लगाने के बाद हमें क्या करना है, देखिए जो हमने ढेपले की भाजी बनाई थी उसे इस पर हमने रख दिया है और इस पर थोड़ी सी हम और भुजिया डाल देंगे और इसको इस तरीके से करके अच्छे से हम सेक लेंगे। जो हमारे डेबले अच्छी तरीके से एक तरफ सिक जाए तो उन्हें पटके हमें दूसरी तरीके से थोड़ा दबा दबा के पका लेना है। जब भी क्रिस्पी हो जाए तो उन्हें सर्व करना है। हमने अपने डेबली को प्लेट में सर्व कर लिया है। ऊपर से हमें ये जो हमारी भुजिया थी उसे इससे गार्निश कर देंगे। साथ में आप अगर ग्रीन चटनी के साथ खाना चाहते हैं तो ग्रीन चटनी सेव कर सर्व कर सकते हैं। साथ में खट्टी मीठी चटनी या फिर सॉस को आप करना चाहते हैं तो सॉस को आप सर्व कर सकते हैं। साथ में जो भी आप पसंद करते हैं उसे कर सकते हैं। साथ में हम इसे कुछ प्याज और मिर्च के लच्छे के साथ सर्व करेंगे। साथ में हमने ये नींबू के स्लाइसेस लिए हैं, किसी किसी को
थोड़ा खट्टा ज्यादा पसंद होता है, इसलिए मैंने नींबू ली है, तीखे के लिए मिर्च ली है, साथ में कुछ हमने ये स्लाइसेस प्याज की ली है, इसे इस तरीके से डेकोरेट भी कर सकते हैं, आप चाहें तो साइड में भी रख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, साथ ही बेल के बटन को भी पुश करना ना भूलें। थैंक यू।